जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में किया गया। इसमें जिले के 13 स्कूलों के 78 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबियाल ने की। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। वहीं हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में बड़े ही गर्व से लिया जाता है। इसी तरह लोक नृत्य प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रदेश की संस्कृति एवं सभ्यता और लोकगीतों से अवगत करवाना है, ताकि हमें जो विरासत में मिली संस्कृति है इसे हम जिंदा रख सकें और बच्चों के अंदर संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण के लिए प्रेरणा पैदा कर सकें। चंबियाल ने सभी बच्चों के गाइड टीचर्स को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम से बच्चों की प्रतिभा निखरने का मौका मिलता है। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबियाल ने विजेता बच्चों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में रंग स्कूल के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला का प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं बड़ा स्कूल ने दूसरा और लोअर हडेटा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। हमारा जो लोक नृत्य का जो कंपटीशन हो रहा है बॉयज स्कूल में, इसमें जिला की लगभग जो 15 टीम्स हैं वो कंपटीशन में भाग ले रही हैं। इसका जो उद्देश्य है कि बच्चों के बीच में हमारे जो लोक नृत्य है, जो पुराने गीत हैं, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता जो है, उसके बारे में बच्चों को अवगत कराना है। वैसे भी भारत देश संस्कृति और सभ्यता के नाते पूरे विश्व में प्रख्यात है। संस्कृति भारत की और इसकी सभ्यता समृद्ध है। वही हिमाचल प्रदेश जितना सुंदर है, उसके साथ साथ इसके जो लोकगीत हैं, इसकी जो संस्कृति है, उसमें और चार चांद लगाती है। हिमाचल प्रदेश की जहाँ नदियों का निर्मल पानी, दूसरी तरफ हमारे जो पहाड़ जो बर्फ से ढके रहते हैं उनकी सुंदरता में और चार चांद लगाती है। कहीं चंबा की नाटियां, आपके शिमला की नाटियां, आपके कुल्लू का दशहरा और भिन्न भिन्न जिलों के अलग अलग जो बोलियां हैं, वो इन सभी का जो संगम है वो हिमाचल प्रदेश है। इसीलिए आज हिमाचल प्रदेश को पूरे हमारे देश के अंदर बड़े ही गौरव के साथ उसको देखा जाता है। इसी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को बचाने के लिए, उसको और समृद्ध करने के लिए हमारे जो नए युवा हैं, जो किशोर अवस्था में 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे हैं, उनको हम अवगत कराने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, ताकि ये आने वाले जो हमारे बच्चे जो कल का भविष्य हैं, हमारी संस्कृति के बारे में जानें, हमारे लोकगीतों के बारे में जानें, हमारी नाटियों के बारे में जानें, और जो भिन्न भिन्न बोलियां हैं हिमाचल प्रदेश की, अलग अलग जिलों की एक अलग पहचान है, उससे भी बच्चे हमारे अवगत हों, ताकि हमारी इस संस्कृति का, हमारे लोकगीतों का और हमारी जो भी हिमाचल प्रदेश की संपदा है उसका संरक्षण मिल सके और हमारे बच्चे हिमाचल के प्रति ज्यादा से ज्यादा जान सकें। दूसरी ओर ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों के बीच की जो प्रतिभा होती है उसको निखारने के लिए एक मौका मिलता है। उनके लिए हम एक स्टेज का माध्यम बनते हैं, ताकि बच्चे अपनी प्रतिभाओं का यहाँ प्रदर्शन कर सकें। जिला की जो प्रथम टीम आएगी वो SCERT 16 में हमारी स्टेट लेवल के ऊपर जिला हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करेगी। उसकी अभी तक जो तारीख है वो निश्चित नहीं की गई है, लेकिन निकट भविष्य में 10-15 दिन के अंदर ये कम्पिटिशन होगा SCERT 16।